दिन है सुहाना और फूलों का जमाना, तो बात ना करें इनके केयर की तो कैसे होगा। आइए, आज मम्मी आपको कुछ बताने वाली हैं, तो उसके ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो देखने से पहले। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए आप सभी। तो मम्मी बताएं, आप क्या बताने वाली हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि फूल जब खिल जाते हैं तो हमारे जो फूलों के जो खिलने के बाद ये मुरझाए हुए फूल होते हैं, उनको अगर हम लोग नहीं पिंचिंग करेंगे तो हमारे बर्ड्स जो हैं वो सीड प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसकी सीड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। तो अगर तब ये सीड जब प्रोड्यूस होने लगेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और धीरे धीरे प्लांट सीड प्रोड्यूस करके और ये प्लांट मरने लगेगा। इसलिए हमारे फ्लावर्स को अधिक पाने के लिए अभी हमारी प्रॉब्लम हो रही है, इनको हमेशा पिंचिंग करते रहिए ताकि हमारे प्लांट वेस्ट ना करें। और जब हमारे सीजन ख़त्म होने लगेंगे तब आप इनको छोड़ दीजिएगा और छोड़ने के बाद आप अपनी सीड को कलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट सीजन में आपको ये प्लांट की सीड मिल जाए लगाने के लिए और सारे कलर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और बहुत ज़रूरी होता है कि अपने प्लांट की पिंचिंग करना, सभी फ्लावर प्लांट को पिंचिंग करना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप एल्टस हो, चाहे गजानिया हो, चाहे बोगनवेलिया हो, सॉरी बिगोनिया हो, कोई भी फ्लावरिंग विंटर फ्लावर प्लांट हो, आप इसको पिंचिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप श्योर इसको पिंचिंग करते रहिए और फ्लावरिंग करते रहिए। थैंक यू। तो मम्मी ने आज बताया जैसे कि आपको पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देख सकते हैं मम्मी ने इसकी पिंचिंग की है अभी। और अब इसके बाद आप इसको देखिए कितनी अच्छी तरीके से मम्मी ने पूरा निकाला है। ये अभी डेंथस की पिंचिंग की है मम्मी ने, बहुत तेज़ धूप है तो अब क्या करें, लेकिन वीडियो भी बना के आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ टाइम पहले ये गुलदाउदी की पिंचिंग हुई थी, अभी देखिए जो गुलदाउदी यहाँ पे फ्लावर ड्राई हो चुके हैं उन्हें कट करना बाकी है और देख सकते हैं कि मम्मी इसको कट कर रही हैं इस तरीके से। तो इसको ज़रूर से आपको कट कर लेना है, नहीं तो फिर ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये एक तरह से आपके प्लांट्स को सीड प्रोड्यूस करेंगे तो फिर नुकसान पहुँचाएंगे ही, तो ये प्रॉब्लम बनेगी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको अपने प्लांट्स की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इसलिए था कि आपको अपने प्लांट्स की पिंचिंग क्यों ज़रूरी है, और ऐसे ही वीडियोस की हमें सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।